में इनेलो द्वारा आयोजित ताऊ देवीलाल के सम्मान में आयोजित रैली में खरखौदा हलके के गांव थाना कला के सरपंच विनोद और जिला पार्षद आरती भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों गाड़ियों के काफले में पहुंचे। इस दौरान जगत महान से बात करते हुए सरपंच विनोद ने बताया कि आज की रैली हरियाणा की राजनीति में काया पलट कर देगी। उन्होंने अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वे आगे भी इसी प्रकार जनता की सेवा करेंगे। आज इतनी बड़ी रैली होगी कलथल के अंदर, कहते ऐसी रैली होगी, इस रैली से पूरा हरियाणा की काया पलट हो जाएगी। आने वाला राज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का होगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का राज होगा, तो हर आदमियों को वही सुविधा जो पहले मिला करती हुई मिलेगी, क्योंकि हमारे राज में ही जो चौपालें सभी की चौपालें बनाई गई थी। पहले चौपालें नहीं होती थी, SC BC समाज चौपालें नहीं होती थी, चौधरी ताऊ देवीलाल ने चौपालें बनाई थी, और टूला टैक्स जो था, टोकन टैक्स था, साइकिल टैक्स था, ट्रैक्टर टैक्स था, सब कुछ टैक्स ताऊ देवीलाल ने ख़त्म किए थे। तो ये ऐसी सर्वदेशी सरकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व बनाई जाएगी। हम खरखौदा हल्का से, मेरे नेतृत्व में कम से कम 100 गाड़ियाँ हैं, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं कि विनोद चौहान की नेतृत्व 100 गाड़ियाँ लेकर मैं ऐसे निकला हूँ। और भगवान ने चाहा, अगर मेरे को आशीर्वाद दिया तो अपने हल्के का, जैसे मैं गाँव में मैंने पीछे विकास करा था, लोगों को सुविधा दी थी, 105 मकान बनवा के दिए थे लोगों के, मतलब 187 प्लॉट काटे, 200 प्लॉट काटे गए थे। आगे भी पूरे हल्के में ऐसे विकास कार्य कराऊंगा। अगर हमारी सरकार आती है तो कॉलेज में जाने वाली सभी लड़कियों को फ्री स्कूटी मिलेगी और बिजली के बिल आधे माफ किए जाएंगे। और अब हमारी सरकार आती है तो हम 5,000 बुजुर्गों की पेंशन लागू करेंगे। ऐसी रैली होगी कि दूसरी रैलियाँ जो है ना वो पीछे रह जाएंगी, जिससे कि सारा सारा हरियाणा और सारा देश जो उनके मान सम्मान में खड़ा है।